Hi everyone, a very very warm welcome to my channel Fit After 50 and I am Sandhya Sheve. So today's topic is again a thing which we can eat and which we can apply on our hair also. तो जो हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, खाने के अलग फायदे हैं, बालों पर उसका लेप लगाने या उसका रिंस लगाने के अलग फायदे हैं. तो बात है अनार की. तो हम सभी ने अनार खाया भी है, उसका जूस भी पिया होगा और जानते भी होंगे कि इसके अंदर कितने फायदे हैं, कितना गुणकारी है वो. लेकिन अनार तो खाते हम सब जरूर हैं, लेकिन उसके जो छिलके होते हैं ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि पता है छिलकों में तो कोई वैल्यू है नहीं. मोस्टली लोग हम यही सोचते हैं कि अनार बस खा लो और छिलकों को फेंक दो. और ये सिर्फ अनार के साथ ही नहीं होता, ये सभी और सब्जियों के साथ भी होता है और फलों के साथ भी होता है कि हम फल तो खा लेते हैं और छिलकों को बस फेंक देते हैं. लेकिन जो लोगों को पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, छिलकों में भी कितना पौष्टिक तत्व होते हैं, तो वो जरूर उनका इस्तेमाल करते हैं. तो मुझे याद है कि मुझे हमेशा अपने बचपन की यादें बहुत आ जाती हैं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. तो मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो कोई जो घर में चीजों की जो सब्जियां उब्जियां आती थी या फल आते थे, वो छिलके कभी वेस्ट नहीं जाते थे, मतलब कचरे में तो कोई नहीं डालता था. हमेशा वो गाय वगैरह आती थी और उसको वो खिला दिया जाता था, उसके आगे डाल दो, चाहे वो पालक साफ किया हो, मेथी साफ की हो, कोई साग हो, मटर के छिलके हो या और कोई तरबूज खरबूजे के छिलके हो, सब वो बेचारी गायें आराम से खाती थी, खुश होके खाती थी. तो अब उनको भी पता है, जानवरों को तो कोई बताता नहीं है कि भाई छिलकों में क्या पोषक तत्व है, लेकिन उनको अपने आप से ही पता होता है. तो वैसे हम जो इंसान है ना, वो जरा बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं और अपनी जो इंट्यूशन है उसको इस्तेमाल नहीं करते. खैर ये बात मजाक की हुई. हम बहुत से लोगों को पता है कि छिलकों में भी अनेक गुण होते हैं और कहीं ना कहीं जो भी कुदरत ने हमें चीजें दी है, वो उनका वो वाया नहीं जाती है, मतलब उनको आप बेकार समझ के फेंक देना हमारी अपनी नासमझी होती है. लेकिन ईश्वर जो कुदरत ने हमें जो चीजें दी हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हो रहा होता है. तो ऐसे ही इस्तेमाल अनार की छिलकों का भी होता है. अब अनार की बात करें तो बहुत से लोगों को अनार चबाने में, क्योंकि दाने होते हैं इसलिए उनको इतना पसंद नहीं होता, और वो कोशिश करते हैं कि हम बस हमें जूस मिल जाए और हम वो जूस पी लें गटागट. लेकिन अब मैं एक बार फिर से कहूंगी कि जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि दिल्ली में एक जगह है खारी बावली. तो वो खारी बावली बहुत पुरानी एक मार्केट है जहां पे पहले थोक का बाजार है, जहां पे पहले बाजार में अलग अलग जगहों से थोक का सामान आता था, अलग अलग धान्य और दालें और ऐसी ही सब चीजें. तो वहां से माँ मेरे लिए अनार लेके आती थी और वो अनार होते थे कंधारी. तो ये बात अभी की नहीं है, बहुत पुरानी बात है. तो वो कंधारी अनार इतने लाजवाब होते थे, उनका रंग लाल, एकदम चटक लाल, और उनका जो जो दाना होता था वो भी इतना बड़ा और जूस से भरे हुए होते थे. और मुझे वो अनार बहुत बेहद पसंद थे और मैं खूब खाती भी थी, माँ स्पेशली मेरे लिए लेके आती थी. और एक और जो अनार खाना क्यों हमें ज्यादा कहा जाता था कि अनार खाओ, तो एक तो खून तो बनता ही अनार में, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है आपका, और उसके अलावा जो आपके जो दांत हैं, जो आपकी दंत पंक्ति है ना, वो बिल्कुल अनार के दानों की तरह एकदम सटी हुई रहेगी, गैप नहीं होगा उसमें, और आपका जो जो आपकी स्माइल है वो वैसी ही सुंदर हो जाएगी. तो इसलिए अनार खाना और जरूरी हो गया, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि दांत तो सुंदर दिखे. तो एक और जो फायदा है अनार के छिलकों का, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, उसको हम अनार के छिलकों का पाउडर बना के धूप में सुखा के पाउडर बना लीजिए,
वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत मिल जाता है, और फिर उसको आप अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फेस पैक बन जाता है, हेयर मास्क बन जाता है, उस पाउडर को आप खा सकते हैं। तो जो अगर आप पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो अनार के छिलकों का आप टी की तरह भी उसको उबाल के उसका पानी जो है उसमें थोड़ी सी गुड़ और गुड़ डाल लीजिए, या नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, या थोड़ा सा हनी डाल लीजिए और उसको आप चाय की तरह पी सकते हैं, तो उसके फायदे आपको मिल जाएंगे। तो अनार के छिलकों के हैं अनेक फायदे। ये एंटी बैक्टीरियल इसमें तत्व होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और भी जाने क्या क्या तो बहुत सारी चीजें हैं। और जिन लोगों को पता है अनार के छिलकों का क्या महत्व है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करते होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और तो अब आज की इस रेमेडी में मैं लाई हूँ आपके लिए अनार के छिलकों से हम कैसे बालों को और सुंदर खूबसूरत बना सकें, और उनका जो उसमें अलग अलग जो हमको बालों की तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि आम के आम और गुठलियों के दाम तो फूड फॉर हेयर का ये एक नया एपिसोड है मेरा। और तो अनार आप खाइए जरूर, कोशिश कीजिए कि दाना ही खाइए, अनार दाना खाइए, चबा चबा के खाइए, तो जरा आपके मसूड़ों की मालिश होगी और दांत मजबूत होंगे अनार से, और उससे जो आप जब वो सीड के साथ खाते हैं उसे, तो इंटरनली भी वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और क्योंकि अनार का जो दाना है, जूसेस तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए और दाने समेत खाइए, तो देखिए उसके अलग फायदे होंगे। तो आज की जो रेसिपी है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने उसका इस्तेमाल की है अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। तो क्योंकि हर कोई हर उम्र में चाहता है कि बाल तो अच्छे ही दिखे, तो मैं भी चाहती हूँ इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करती रहती हूँ, और उसका फायदा भी हो रहा है। बाल मेरे लेंथ भी बढ़ रही है, और बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, और मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे से जो बाल आ रहे हैं, नए बाल, वो भी नए नए बाल आ रहे हैं, वो थोड़े से काले भी आ रहे हैं तो इसलिए आशा मत छोड़िए और कोशिश करते रहिए, बाल जरूर अच्छे होंगे। आपको बस थोड़ा पेशेंस के साथ इन रेमेडीज को इस्तेमाल करना होगा, और जब पेशेंस के साथ हम कुछ काम करते हैं ना, तो उसका फायदा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है, जब मैं जल्दी झटपट में कुछ कर रही होती हूँ ना, पेंटिंग कुछ बना रही होती, तो उतना मजा आता नहीं है, लेकिन जब पेशेंटली उसको टाइम दे के करते हैं तो उसका ही मजा अलग आता है। और ऐसा ही बाकी सब खाने वगैरह में भी होता है, तो जो भी काम हम जितने पेशेंस से करते हैं ना, उसका उस वो और ज्यादा निखर के आता है। तो इसलिए उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, और ये जो रेमेडीज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, उनका इस्तेमाल कीजिए और फर्क देखिए, और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए जरूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे वीडियो।
तो मेहंदी तो लग चुकी है और इसको मैं 2 से 3 घंटे तक रखूंगी बालों में। रंग अभी तो फिलहाल बहुत काला दिख रहा है, अब देखना ये है कि 2 से 3 घंटे के बाद जब बाल धुल जाएंगे तो ये कैसा अच्छा रंग आता है। तो चलिए फिर देखते हैं। और ये मेरी प्यारी सी शर्ट है जो मैं हमेशा पहनती हूँ मेहंदी लगाते समय। एक शर्ट मैंने अलग से रखी हुई है, तो जब भी मेहंदी लगाना होता मैं इस शर्ट को पहन लेती हूँ। तो इसलिए मेरे बहुत सारे वीडियोस जिसमें जो मैं मेहंदी लगाते समय बनाती हूँ उसमें आपको ये शर्ट बहुत कॉमनली दिखाई देगी। तो चलिए फिर देखते हैं 3 घंटे बाद बाल कैसे अच्छे दिखाई देते हैं। तो बालों में मैंने रात में तेल लगा लिया था और अब सुबह टाइम है बालों को धोने का, क्योंकि मेहंदी के बाद बालों को धोना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो अब मैं बाल धो लूँगी। अच्छे से तेल लगाया, रात भर रहा तेल, और तो उससे रंग भी पक्का हो जाता है मेहंदी का। तो एक रिचुअल है हर महीने वाला। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेहंदी थोड़ी सी बालों के अलावा सर के स्कैल्प के इधर भी लग गई थी और उसको तो हटाना बहुत ज़रूरी है। तो क्लींजिंग मिल्क का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो होम रेमेडीज़ हों और घर में जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें उसी का इस्तेमाल किया जाए। और उसके लिए कच्चा दूध, तो सभी को पता ही होगा कि कच्चे दूध का इस्तेमाल स्किन केयर में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं भी अपना जो रोज़ का एक ये है रिचुअल कि कच्चे दूध से मैं अपना चेहरा साफ कर लेती हूँ। तो अभी जो ये मेहंदी लगी हुई है यहाँ स्कैल्प पर माथे पर, तो उसको कच्चे दूध से वो निकल जाएगा रंग।
और स्किन साफ भी हो जाएगी और वैसे नून लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, क्योंकि इसमें आपके कुछ पैसे तो खर्च हो नहीं रहे क्योंकि दूध तो आ ही रहा है घर में, और थोड़ा सा एक चम्मच भर दूध हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने, अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर ले। तो यही सोचकर बहुत सालों से मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करती हूँ और मेरी मम्मी भी करती थी। तो जो हम सीखते हैं वो अपने माँ से, अपने जो हमारे उस समय लेडीज आसपास घर में रहती थी, बड़ी बहन हो चाहे या चाची हो या दादी हो माँ हो, उन सबसे हम ये सब चीज़ें सीख सीख के बड़े हुए हैं। तो कच्चा दूध मेरी माँ भी बहुत लगाती थी और उनका भी स्किन उनकी भी बहुत बढ़िया थी, तो इनको देख देख के मैंने भी ये सब सीखा। तो अब ये इसको अच्छे से चेहरे पर लगा लेंगे तो इससे एक तो कच्चे दूध से पोर्स बंद नहीं होते हैं और चिकनाई तो मिलती है लेकिन पोर्स बंद नहीं होते, स्किन साफ हो जाती है, जो भी धूल मिट्टी है वो सब स्किन पर से। कॉटन बॉल में आप देख सकती हो कि रंग थोड़ा काला हो गया है, और थोड़ा गर्दन पे भी लगा लेंगे ताकि गर्दन जो ये सब एक्सपोज रहते हैं कान और ये भाग जो है उनमें से डर्ट अच्छे से निकल जाए। हल्के से मसाज भी कर लूं ताकि जो फाइन लाइंस हैं और ये सब भी खत्म हो, और तो इसलिए मोस्टली हम जो फाइन लाइंस यहाँ पे ज्यादा जल्दी से आ जाती हो और आंखों के इधर, तो यहाँ पे मालिश करना बहुत जरूरी है। तो आप हल्का सा मालिश भी कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये मैं 10-15 मिनट लगे रहने दूंगी, और उसके बाद फिर एक और घरेलू उपाय है उससे मैं अपना चेहरा धोने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगी, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। तो ये है टमाटो और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा शहद। टमाटो और शहद मिलके चेहरे की रंगत तो निखारेंगे ही, क्लींज भी करेंगे, इसको साफ भी कर देंगे। तो इसलिए तो अभी इसके बाद हमको कोई भी फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। अच्छे से इसको चेहरे पर रगड़िए। थोड़ा गर्दन को लगाना ना भूले, गर्दन को भी जरूरत है देखभाल की। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है।